हालांकि ये है शायद इसके हाफ साइज में किसी ज़माने में मंदिर प्रॉफिट हुआ करता है। और यहाँ से अपन जो कनेक्टिविटी है राइट में अगर हम जाएंगे तो सामने आप देख रहे हैं भोले राम बस भगवान आपको मिल सकता है संत जोसेफ चर्च। वैसे ही ये जो एरिया ये किसी जमाने में वैसा हुआ करता था। आज हम जाओगे यानी कि हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ हम पहुँचेंगे। तो कहाँ जाना है कि इस एपिसोड में विषय आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम हैं अभी फिलहाल कितने होगा पीछे किसी गाड़ी की चाबी गिरी हुई पता है। तो ये हम आ गए हैं मालवा में चौराहे पर। यहाँ पर हाथ से जो आप चीज़ें देख रहे हैं उनको हम कहते हैं पेड़ियाँ। मालवा मिल पर उनको कहते हैं पेड़ी। यानी कि हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ हम पहुँचेंगे पूरा। तो मालवा मिल का भी क्या ही कहना। ये तो अभी चौड़ी सड़क हो गई है तो भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। पहले तो ये सिंगल लेन ही काम करता है मान सकते हैं। फिर मैं उस वक्त वीडियो नहीं बनाता था, नहीं तो आपको मैं कंपैरिजन व्यू बताता मेरा ओल्ड मालवा मिल रोड और न्यू मालवा मिल रोड। अभी तो काफ़ी हद तक चौड़ा कर दिया, उसके बावजूद भी ट्रैफिक तो खैर बने रहता है। आज नहीं है क्योंकि मैंने टाइम सही चुना, नहीं तो जितने दिन का मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ उतना एक ही वीडियो में मेरे को पूरी मेहनत लगती है। और इस स्क्वायर पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से अगर आप राइट में जाओगे तो आप BRTS LIG की तरफ जाओगे, लेफ़्ट में लोगे तो आप जाओगे अपने कलश चौराहा भागवतपुरा की तरफ। स्ट्रेट जाएगा ये वाया भनौरी होते हुए सीधे विजयनगर। और जो बैक साइड जहाँ से हमने आए वहाँ पर अगर आप दूसरी गाड़ी जा रही है फिलहाल वहाँ पर अगर जाओगे तो आप हाईकोर्ट जा सकते हो, राजवाड़ा के लिए जा सकते हो, उस तरह से रास्ता जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रूट है ये भी, क्योंकि ये भी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है जब ये रूट मेन माना जाता है। मतलब इसको आप बोल सकते हो डोरास रूट भी हुआ करता था किसी जगह में। जैसे आज भी अगर इंदौर से बाहर की तरफ अगर जाया जाता है तो बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं बहुत गाँव से लगते हैं, छोटे छोटे लगते हैं। खैर उनमें तो बहुत अच्छे चौड़ी सड़कें बनने लगती हैं, पर ये किसी जमाने में आउटर एरिया हुआ करता है। आगे जैसे आज हम बाईपास को देख रहे हैं आउटर लगता है हमको, क्योंकि वैसे ही ये जो एरिया ये किसी जमाने में वैसा हुआ करता था और आज इतना डेंस हो गया कि दो सड़कें होने के बाद भी सारी दुनिया वेरी गुड नंदानगर वेरी गुड नंदानगर उल्टे हाथ पे नंदानगर का भी भाई साहब माहौल एक नंबर देना था। यहाँ पर लोकेशन किस नाम से जानी जाती है? गलियों के नाम, गली 1, गली 2, गली 3, गली 4। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बताओ मुझे, नंदनगर में फिर घूमेंगे किसी दिन। आज तो हम घूमे, मालवा मिल से निकले हैं और आपको दिखा रहे थे कि पाँचवीपुरा रोड पर क्या क्या आपको मिल सकता है। संत जोसेफ चर्च, सेंट जोसेफ चर्च, इफ़ यू call it in action, so we'll call it Sant, not Sun. Sant तो अपने हाँ, तो चौराहे से क्रॉस होते हुए, चर्च से क्रॉस होते हुए आगे की तरफ अगर हम जाएँ तो राइट में हम देखेंगे आस्था। भाई साहब अनुप बंद हो गया, कितने सारे बंद हो गए पर अपना आस्था आईडी जिंदाबाद है। लेफ्ट में शनिदेव, बहुत ज़्यादा पौराणिक हैं और बहुत मान्यताएं रखी जाती है इस शनिदेव मंदिर की। सामने आप देख रहे हैं भोले राम भक्त हनुमान मंदिर, जो कि राम हनुमान मंदिर से ज़्यादा फेमस है। जय जय श्री राम। यहाँ पर एक और चीज़ खासियत है कि इस मंदिर में आपको चमड़े का कोई भी आइटम आप पहन के नहीं जा सकता, तो बाहर उठाना वेरी इम्पॉर्टेंट। You can't wear a leather object or an accessory what you like, call it, पर अगर उसमें मांस है तो वो आप नहीं पहन जा सकते। मांस की कोई एक ही चीज़ एंटर होगी जो कि आपका खुद का शरीर। तो अब हम एंटर हो गए हैं। इसको खैर नाम से तो अंजलि नगर जाना जाता है, लेकिन हम जानते हैं इस इलाके को भामोरी के नाम से, जहाँ पर ये छोटी गोल टली बोल लो, गाड़ी घोड़े के नाम पे कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और रेडियम का भी काम यहाँ पर काफ़ी हो जाता है। और मेजरली तो गाड़ी घोड़े और रेडियम का ही काम यहाँ पर होता है। तो ये हम मालवा मिल पाटनपुरा से होते गए भामोरी घूम लिए अपन ना, और यहाँ से अपन वो कनेक्टिविटी है। राइट में अगर हम जाएंगे तो हम पहुँचेंगे सीधे एग्रो, लेफ्ट में अगर जाएंगे तो हम जाएंगे साइन। तो फिलहाल हम घुस गए हैं साइजी वाले रूट पर, और इससे होते हुए मैं आपको एक और स्टोरी बताना चाहूँगा। सामने जो कर्व में जो बिल्डिंग दिख रही है अभी फिलहाल, उसके पीछे हालांकि मन मंदिर लिखा हुआ है। लेफ्ट में जो विक्रम अर्बन है ना, इसके हाफ साइज में किसी ज़माने में मन मंदिर स्थापित हुआ करता था। ब्यूटीफुल, इतना सही लगता था ये पूरे यहाँ पर था मन मंदिर काफ़ी करके। ये देखो ना, तो अभी ये फूड पार्क जो बन रहा है, ये रातों रात ऐसा लगेगा कि एकदम से खड़ा हो जाए। 70 रख के रखे ना, मुझे दिख नहीं रहा कुछ, एकदम से ये पूरा का पूरा खड़ा हो गया, तो पता ही नहीं चला। देखा गया अब लोगों का भी जाता है। की तरह देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि कोई छोड़ के चले जाए। नहीं भाई, मुक्ति मिली है, बढ़िया हुआ, घंटा ख़त्म, फुर्सत। तो लेफ्ट में अगर आप देखोगे, आप कैसे देखोगे मेरे को दिखाना पड़ेगा ना। ये हालांकि ये है सायाजी, पर आई प्रेफर टू कॉल इट सायाजी। तो हम आ गए अपने विजयनगर इलाके में डमोरी होते सोचते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय करा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। कमेंट करके बताओ अच्छा लगा, लाइक करके बताओ। और देखना चाहते हो आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और ये मेट्रो के वीडियो, तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही बहुत सारे काम आपके लिए आगे भी होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, एंजॉय।